वेलकम टू मार्वल फ्यूचर पार्ट इन इंडिया। पिछले शुरू करते हैं तो आज मेरे साथ में है स्टॉक कम्युनिटी। तो स्टॉक कम्युनिटी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आए हैं फोरम से रिलेटेड। फोरम पे कल एक पोस्ट आया था जिसके अंदर में ये लिखा हुआ था कि फेसबुक अकाउंट को रीओपन, रीलिंक और रीस्टार्ट वगैरह समथिंग कुछ तो करना है। तो उसके बारे में आगे जो जानकारी देंगे स्टॉक कम्युनिटी देंगे, तो बोलिए। हाँ, तो वही बात है कि अभी जो फोरम पे कल पोस्ट आया था फेसबुक से रिलेटेड, तो एक काम करना, सारे लोग अपने अपने गेम अकाउंट में जिनका फेसबुक से लॉगिन नहीं है या लिंक नहीं, लिंक कर ले जाके, ठीक है। और जिन्होंने ऑलरेडी लिंक कर रखा है फेसबुक से, लॉगिन कर रखा है, वो फिर से उनको रीलॉगिन कर ले जाके। अब बताओ रीलॉगिन कैसे करना है? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, सेटिंग में जाना है जहाँ से गेम लिंक दिखाते फेसबुक से, वहां से अनलिंक करके फिर से लिंक करना है, बस और कुछ नहीं करना है। और वापस एक बार फेसबुक में जाके लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लेना, ताकि सुविधा में कोई खेद ना आए। और ये करना जरूरी है, कर लेना है, क्योंकि नेट मार्वल तुम्हारी डेटा पॉलिसी की जिम्मेदारी ले रहा है। और अगर नहीं करते हो, अगर इससे तुम्हारा डेटा यूजर कुछ खोता भी है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी नेट मार्वल नहीं लेगा। तो ये कारण से उसने ये चीज करी है। तो जिन जिन लोगों को अपना गेम अकाउंट बचाना है, वो आप ऐसे ये कर ले। जिन जिन लोगों को अपना गेम अकाउंट खोना है वो नहीं करे, मर्जी इनकी है। और ये भी कह रहे कि इसके बाद नेट मार्वल का दोष ना दिया जाए अगर वो लोग ना करते हैं ये सारी चीजें। तो ये बात थी। तो सब लोगों ने सुनी लिया होगा। तो जिन जिन का अकाउंट फेसबुक अकाउंट से लिंक नहीं है, गेम अकाउंट फेसबुक अकाउंट से लिंक नहीं है, वो लोग कर ले। एंड करने के बाद में उसको वापस से सब कुछ चेक कर ले कि सब कुछ डाटा कनेक्शन, ऐप एप्लीकेशन लिंक सब कुछ सही से हो, इसका प्रॉपरली चेक कर ले। एंड जिनका अकाउंट गूगल प्ले गेम से अकाउंट लिंक है, वो लोग भी एक बार चेकआउट कर ले कि सब कुछ हाँ, प्रॉपरली। एक और हाँ बात, आप गूगल प्ले अकाउंट से भी लिंक कर लीजिएगा, ताकि उससे भी लॉगिन हो जाए बाद में, ठीक है। ये गूगल प्ले अकाउंट से भी लिंक कर लेना, ताकि उससे भी अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फेसबुक आईडी हाथ से निकल जाता है, क्योंकि दूसरा सेकेंडरी तरीका तुम्हारे पास होगा लिंक करने का, ठीक है। तो ये भी कर लेना, हाँ एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके चलो, ताकि गिरो तो संभल जाओ। तो यहाँ पर मैं, जैसे कि सब लोग सुन रहे हैं, फेसबुक अकाउंट और गूगल प्ले गेम के अकाउंट से गेम अकाउंट लिंक कर लो। लिंक करना नहीं आता तो बहुत पहले एक मैंने वीडियो बनाया था, उसको तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हाउ टू लिंक योर गेम आईडी, ठीक है। तो वो तुमको वीडियो मिल जाएगा, MMM सर्च मारना, मेरा वीडियो मिल जाएगा। मेरा वीडियो नहीं मिलता है तो किसी और का मिलता है, तो एटलीस्ट तुमको वो हेल्पफुल रहेगा। किसी का भी रहो, देख लेना, लिंक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना स्टार्ट कम्युनिटी किसी के। भी यूट्यूबर का देख लेना, किसी हाँ भी यूट्यूबर का हाँ ये चलेगा, वीडियो कोई देख दिक्कत लेना, नहीं, कोई तुम्हारे दिक्कत नहीं। अकाउंट। लेकिन हाँ, अपना अकाउंट बचना चाहिए बस हाँ तुम्हारा। बस। हाँ, और और अगर अकाउंट का जो डेटा है, कुछ गड़बड़ी आएगी तो अकाउंट की वो जिम्मेदारी नेट मार्वल लेगा इससे, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो वो नहीं लेने वाला, फिर तुम रोते रह जाओगे, बिलखते रह जाओगे, फिर कुछ भी करते रह जाओगे, वो नहीं करने वाला। पर ये लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सब लोग सुन रहे हैं, अपना अपना गेम अकाउंट लिंक कर लो, और जिनके पास में लिंक नहीं है तुरंत जाके लिंक करो, ठीक है। लिंक करना जिनका होता आसान है। ऑलरेडी लिंक है वो फिर से लिंक करे, हाँ जिनका तो एक ऑलरेडी बार लॉगिन कर चेकआउट कर रखा है ले, फेसबुक से, चेकआउट कर ले। गेम में जाना है, गेम में जाना है जहाँ से तुम्हारा अकाउंट लिंक दिखाता है फेसबुक गूगल प्ले, जहाँ दिखाता है वहां से जाके फिर से एक बार अनलिंक करके लिंक करना, और उसके जिसका ऊपर टाइप लिंक नहीं करना है वो है, लिंक कर लेना। उसके ऊपर टाइप करना है, टाइप करने के बाद में वो अनलिंक हो जाएगा। उसके ऊपर मैं दोबारा सा टाइप करना है, आपका अकाउंट पूछेगा, आपको अपना अकाउंट सिलेक्ट करना है, उसके बाद में वो लिंक हो जाएगा। बस सिंपल सा प्रोसेस है जो आपको करना है, और ये करने के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगता है, 5 या 10 मिनट का, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये प्रॉपरली इस चीज को उतना कर भी नहीं लो। लगता, 2-3 मिनट का काम ही है। नेट किसी का नेट अगर स्लो होगा तो 5-10 मिनट, स्लो है तो वो 5-10 मिनट लेगा, वो तो इस चीज को थोड़ा सावधानी पूर्वक करें। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी का गेम अकाउंट लिंक नहीं है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि हम लोग समय से पहले हम लोग हेल्प प्रोवाइड कर सके। और तो एक बात लिंक और, अभी आयरनमैन टीयर 4 मेरा होने वाला है, कुछ दिन अब टाइम लगेगा, शायद इस अगस्त 15 अगस्त तक हो जाएगा टीयर 4 ओके, आयरनमैन एडवांस मेरा। में हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपका ईयरफोन हाँ आरएमएन के लिए, और मेरा वाला पता नहीं कब तक होगा साला, मादर नहीं, कंट्रोल। आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। आप कल अभी मटेरियल जमा कर रहे हैं, अभी अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। आप मटेरियल जमा करके एक साथ फुल अपग्रेड मारेंगे एक ही बार में। हाँ, तो वेट एंड, अभी मेरा MNTF4 आने वाला है, बस ये आ जाए, फिर उसके बाद फिर देखो मजे। जी, हाँ, फिर देखो क्या असली Tier 4 कहते किससे, वो हम बताएंगे। तो स्टाफ कम्युनिटी के चैनल को जाके सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जरूर सब्सक्राइब करें। महीने में एक वीडियो आ जाएगा, कोशिश करेंगे कि हफ्ते में संडे में एक वीडियो लाने की कोशिश करें। फ्यूचर में डिपेंडिंग है, जैसे एग्जाम वगैरह आएगी तो फिर अवॉइड करना पड़ता है सारी चीजें, तो कोशिश करेंगे।
तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए वीडियो बस इतना ही है, जाके अपना गेम अकाउंट लीक कर लेना। एंड मेरा फेसबुक ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पर मैं 1000 क्रिस्टल फेसबुक फ्रेंड्स बनाने के मिलते हैं, तो वहां से फेसबुक फ्रेंड बना लो और गेम में जाके 1000 क्रिस्टल कलेक्ट कर लो। तो जाओ जाके काम पे लग जाओ, और किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। और फेसबुक ग्रुप पे वहां पर मैं स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो अपनी डिटेल, अपनी प्रॉब्लम पूरा वहाँ लिख के आराम से प्रॉपरली डाल सकते हैं, ताकि तुम्हारी हेल्प की जाएगी। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, धन्यवाद। एंड डुप्लीकेट पर भरोसा नहीं करने का, फेक चैनल पर भरोसा नहीं करने का, फेक चैनल की एडवाइस नहीं लेने का। बी अलर्ट, बी सेफ।